हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका मैरिज हो गया है और जो लोग रिलेशन में रह रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना टूट भी सकते हैं ना साथ में चल भी सकते हैं, क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज़ है कि रिलेशन को तोड़ दे या तो फिर डिवोर्स ले ले कि नहीं ले, जुदा हो कि ना हो, ऐसी सारी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उनको कौन से संकेत देखने चाहिए डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन वो पता कर ही नहीं पाते और उनको सही जानकारी मिल ही नहीं पाती है, इसीलिए दोस्तों वो ज़्यादातर कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेकिन उन लोगों को कन्फ्यूज़न अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में 6 ऐसे संकेत बताने वाला हूँ। अगर ज़्यादातर संकेत इसमें से आपके रिलेशनशिप में हैं तो शायद आप उसकी दिशा में, तलाक की दिशा में स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों, सारी परिस्थिति आपके संबंध पर आधारित है, मैं तो सिर्फ आपको एक संकेत दे रहा हूँ कि ऐसा हो तो आप ले सकते हैं। ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा हो तो आप ले ही ले, लेकिन अगर ऐसे संकेत आपको दिखे तो आप शायद उन दिशा में स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले 6 ऐसी मैं टिप्स बताऊंगा, संकेत बताऊंगा, और लास्ट में मैं कुछ सलाह दूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, 6ठा संकेत है, यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट इमोशनली एब्सेंट। दोस्तों, ये संकेत दिखे तो आप शायद समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप पति है या पत्नी तो आपका जो सामने वाला है वो इमोशनली प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं होता है, सिर्फ वो फिजिकली होता है, लेकिन उसका माइंड, उसकी जो फीलिंग्स है और कई और दिशा में, या तो फिर किसी और बारे में सोच रहा है, कोई अपने बिजनेस के बारे में, कोई और लड़की या लड़के के बारे में भी वो सोच सकता है, किसी के भी बारे में सोच सकता है, वो आपके साथ इमोशनली अभी प्रेजेंट नहीं है। चलिए, इसके कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो एक दूसरे की बातें नहीं सुनना, सिर्फ हाँ ना कहना और कई और दिमाग है, एक दूसरे के बगल में बैठना लेकिन ज़्यादा तकनीक या तो फिर फ़ोन में ही व्यस्त रहना, और कोई और फ्रेंड के साथ बातें करते हुए बैठना, कहीं घूमने जाना लेकिन वो अपने ही दिनचर्या या तो फिर अपने ही रूटीन में रहते हैं या तो फिर अपने ही मस्ती में रहते हैं, तो दोस्तों ये एक संकेत हो सकता है डिवोर्स ले लेने का। चलिए, 5वां संकेत देखते हैं, यू डोंट स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, आप दोनों एक साथ कभी भी क्वालिटी टाइम ज़्यादातर स्पेंड नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि पिछली बार आपने याद कीजिए कब क्वालिटी टाइम साथ में बिताया था, और अब सब कुछ एक अलग घटना है, या तो फिर अब हर कोई अपनी मस्ती में रहता है, कोई क्वालिटी टाइम की किसी को पड़ी ही नहीं है, ना तो आप दोनों एक साथ कहीं अकेले घूमने जाते हो, ना कोई साथ में मस्ती या तो फिर कोई मजाक करते हो, तो दोस्तों ये भी एक संकेत है कि आपको शायद अलग होने की दिशा में सोचना चाहिए। 4थे नंबर पे जो संकेत है वो है, यू गो टू बेड एट सेपरेट टाइम्स। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शादी के बाद बेड पे जाना, एक कमरे में साथ में रहना, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप साथ में सोने के लिए बेड पे नहीं जाते तो ये भी एक सोचने लायक बात है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने लायक है, शादी के बाद अगर आप ऐसा हर वक्त करते ही थे या तो फिर हमेशा से ये चलता आया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी अभी से या तो फिर कई टाइम से ऐसा हो गया है कि अलग अलग टाइम पे आप सोने जा रहे हैं, तो ये एक देखने लायक बाबत है। दोस्तों, शादी के बाद अगर आप डेली जाते थे तो अलग अलग स्लीप शेड्यूल के कारण वो हो सकता है, लेकिन थोड़े टाइम से ये होने लगा है तो आपको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए, और ये एक संकेत हो सकता है डिवोर्स की दिशा में। 3रे नंबर पर बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यू अवॉइड सेक्स। दोस्तों, सेक्स को अवॉइड करना ये भी एक संकेत है, क्योंकि दोस्तों शादी के बाद सेक्स का ना होना ये एक बुरा संकेत हो सकता है। यदि आप दोस्तों ऐसा कुछ सुनते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, नहीं आज मुझे मूड नहीं है, मुझे इच्छा नहीं, और ऐसा कई टाइम से चल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है और ये बहुत बड़ा संकेत भी है, आपको ये तलाक लेने ही चाहिए। हाँ दोस्तों, ये बात कई और कारणों की वजह से भी हो सकती है, लेकिन वो आपकी परिस्थिति के मुताबिक है, आपको समझना है। लेकिन अगर वो सेक्स को अवॉइड कर रहे हैं तो आपको लाइट होनी चाहिए कि नहीं, ये डिवोर्स की दिशा में एक स्टेप हो सकता है, और आपको देखना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। 2रे नंबर पे जो है, यू स्टार्ट टू आस्क परमिशन टू डू एवरी लिटल थिंग्स। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा हिडन साइन है, आपको हर कोई छोटी बाबत के लिए आपको परमिशन मांगनी पड़ती है, आपको पूछना पड़ता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ,
और ऐसा संबंध में पहले नहीं था, अब ज़्यादातर करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला गुस्सा हो जाता है अगर ना पूछे तो, या तो फिर इरिटेट हो जाता है ना पूछे तो, इसीलिए पूछना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं कहीं बाहर टू व्हीलर लेके जाऊँ या नहीं, मैं कार लेके कहीं जाऊँ या नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ या नहीं, ये सारी बातें आपको पूछनी पड़ती है, या तो फिर ऐसी और भी हो सकती है, तो ये एक संकेत हो सकता है। नंबर वन पे जो है, जो सबका दुश्मन भी है दोस्त भी है, लेकिन ये अच्छे भले रिश्तों को डुबा सकता है, और वो है यू आर ऑन सोशल मीडिया मच मोर ऑफन। दोस्तों आप सबसे ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया को देते हैं तो आपके समय डूबने ही वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल लोगों को खुशी या तो फिर कुछ भी सोशल मीडिया से मिल जाता है, वो ना ही अपने संबंध में इंटरेस्ट लेते हैं और ना ही किसी के साथ अटैच रहते हैं, वो अपने बस हर दिन कई कई तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे मोबाइल पे बिता देते हैं, और वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, और अच्छे भले संबंध डुबा देते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पे फ़ोन पे रहेंगे तो सामने वाले को कैसे टाइम दे पाएंगे, क्योंकि वो आप फ्री टाइम में करते हैं, और फ्री टाइम में जब आपको संबंध में टाइम देना चाहिए वहाँ पे आप सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, और आपको जब बाद में पता चलता है कि सारा टाइम तो इसमें चला गया, और जब डिवोर्स की बारी आती है तब ये भी एक कारण निकल के आता है कि सोशल मीडिया का ज़्यादातर यूज़ भी अच्छे भले संबंध को ले डूबता है। तो दोस्तों ये थे 6 ऐसे संकेत जो दिखे तो आप डिवोर्स की दिशा में सोच सकते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको लास्ट में एक सलाह दूंगा, और वो सलाह यह है कि दोस्तों कोई भी रिलेशन में डिवोर्स का सोचना, उसके पहले उसके प्रॉब्लम को समझना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, सामने वाले के साथ आराम से बैठ के बातें करना, अगर हो सके तो घर से दूर चले जाना और उनके साथ फेस टू फेस बातें करना, उनको समझाना या तो फिर उनको समझना कि प्रॉब्लम क्या है, चलिए मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा वादा करते हैं, और संबंध को डिवोर्स तक ले जाने से बचाते हैं और इनको अच्छे भले संबंध में ले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी सलाह। चलिए वीडियो के एंडिंग में अप्रिशिएटिंग कमेंट्स पिक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था प्यार कैसे करना चाहिए, उसमें एक भाई ने कमाल वीडियो करके और दूसरे ने हाँ ये वीडियो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, ऐसा करके कमेंट्स किए हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।